आखिरकार संजय दत्त ने टाडा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। समर्थकों की भारी भीड़, बहन प्रिया दत्त पत्नी मान्यता के साथ संजू बाबा भावुक अंदाज में घर से निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने समर्थकों को धन्यवाद किया और निकल पड़े कोर्ट के लिए। पूरे रास्ते संजय दत्त की गाड़ी के साथ उनके समर्थक और मीडिया कर्मियों की भीड़ चल रही थी। टाडा कोर्ट पहुंचने के बाद मीडिया के जमावड़े के बीच उन्होंने कार से बाहर निकलकर हाथ जोड़कर लोगों से रास्ता देने की अपील की। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी का माहौल था। ये सारी औपचारिकताएं पूरी कर संजय दत्त को जेल भेज दिया गया। इससे पहले सरेंडर करने के लिए बांद्रा स्थित अपने घर से निकलने के समय उनके घर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। उनके काफिले के साथ भारी संख्या में मीडिया के लोग भी चल रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी कई जगह जाम में फंस गई। संजय के साथ उनके परिवार के लोग तो थे ही, साथ ही कुछ करीबी लोग भी उनके साथ कोर्ट पहुंचे, जिनमें महेश भट्ट भी शामिल हैं। जेल जाने से पहले भी संजू बाबा भगवान को याद करना नहीं भूले। उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत पूजा पाठ के साथ की। संजू के परिवार ने उनके जेल जाने से पहले घर में पूजा का आयोजन किया था। यही नहीं, पंडितों ने उनके घर पर एक हवन भी किया, जिसमें उनके करीबी लोग भी शामिल हुए। सरेंडर के पहले संजय दत्त को मिलने कई फिल्मी हस्तियां पहुंची, जिनमें सलमान खान, फरदीन, शिल्पा शेट्टी, डेविड धवन समेत कई लोग शामिल हैं। आर्म्स एक्ट में संजय को सुप्रीम कोर्ट से 5 साल की सजा मिली है। वो पहले भी 18 महीने जेल में रह चुके हैं और अब उन्हें बाकी का समय जेल में काटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।